असल प्यारे बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें बिसमिल्लामानी रही मेरे प्यारे बहन और भाई उम्मीद करते हूँ आप खैरियत से होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बसानी आपको मिल सके आज का अमल बहुत ही ख़ास है बहुत से बहन भाइयों के कहने पर के मोकलत फरिश्ते मोकिल क्या ये भी काम करते हैं आज उन्हीं का खास अमल मैं आपको बताऊंगी। अमले मोकिल है ये मोकल की ताकत जो आपने कभी देखी नहीं कभी आपने इस चीज़ को जाना नहीं कि अमल कैसे कामयाब होता है मोकलत का आज मैं वो तरीक़ा आपको समझाऊंगी। बहुत बाबरकत है अल्लाह के कलाम के मोकिल हैं मदद हासिल करें और ये अमल करें बहुत आसान अमल है उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहदीस से शुरू करते हैं जब तुम में से कोई शख्स को कोई परेशानी हो कोई दुख हो कोई तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक से मदद मांगो अल्लाह पाक फौरन आपकी पुकार को सुनते हैं आप अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी होती कोई दुख तकलीफ़ परेशानी क्या कोई बीमारी भी लाक होती आप अल्लाह पाक से दुआ करते और फरियाद करते तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि आप भी अल्लाह पाक से मदद हासिल करो वो आपकी मुश्किल परेशानी को ख़त्म कर देंगे इन शमले मोकिल ख़ास तरीके से अमले मोकिल अमल किया जाता है वक्त इशा की नमाज का रात का तहजद का या इशा की नमाज का दिन जुमेरात, दिन जुमेरात, वक्त इशा का रख लें या तहजद का रख लें वो आपको जैसे पसंद हो कोई भी दिन टाइम रख लें ठीक है लेकिन दिन का ना रखें ठीक है दिन जुमेरात का हो बुध का हो जुम्तुलम्बारक का हो दिन रख लें द्रोध पाक तीन बार नमाज लाजिम है अमल की तादाद तीन बार सिर्फ तीन बार इसको पढ़ना है अब पढ़ने का खास तरीका मैं आपको समझाने लगी हूँ आप पहले वो समझ लें ठीक है या कादिरु हाजिर शो या कादिरु हाजिर शो तो को हाजिर कर फलां आपका प्यार जिसे आप बुला रहे हैं इब्ने फलां उसकी माँ का नाम नहीं तो अम्मा हवा लिख लें ठीक है फलां इब्ने फलं उसको हाजिर कर नक्श बनाएं ठीक है नक्श बनाना है ये वाला नक्श कागज़ पर बनाए कागज़ पर बना कर ठीक है आपने नक्श कितना बनाना है बस इतना नीचे वाला फला इबन फला को नहीं लिखना या कादिर तीन तीन बार पढ़ेंगे पढ़ने का तरीका आप गौर से सुनिएगा या कादिर फला फलां इबन फला को हाजिर कर नक्श के ऊपर आपने लिखा नक्श के ऊपर आपने लिखा इस लफ्जों को और नक्श तैयार कर लिया पढ़ना क्या है या कादिरु फलाँ इब्ने फ़लाँ को हाजिर कर दूसरी मरतबा क्या पढ़ेंगे या वु दो इब्ने इबन फ़लाँ को हाजिर कर तीसरी दफ़ा क्या पढ़ेंगे या कादिरु फ़लाँ इब्ने फ़लह को हाजिर कर आपका प्यारा हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह अब एक ग्लास पानी लेना मैंने कोशिश की है गिलास बनाने की तो पता नहीं ये ठीक बना है कि नहीं तो मुझे जिस तरह समझ आई मैंने आपको समझाने के लिए गिलास बनाने की कोशिश की है तो अगर अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो फिर मासरत ये नक्श इस आँस में डाल देना है पानी में पानी एक गिलास लें उसमें ये नक्श डाल दें अब जब आपने ये नक्श पे भी लिखा हुआ ये लिखा है ना ठीक है नक्श इस तरह का बनाना है ये देखें बीच में मैंने लिखा हुआ है या कादिरु फला इब्ने फला को हाजिर कर समझे ये एक गिलास का पानी है गौर से देखिएगा मेरी बात को समझने की बस आपको कोशिश है ये समझें कि एक गिलास पानी है ये आपने इसके अंदर नक्श पानी में छोड़ दिया अब जब आपने नक्श पानी में छोड़ दिया अब आपने इसको ज़ोर जोर से पानी में जब ये फीक जाएगा ना तो ये हिलेगा इस पर पानी इसलिए नहीं मैंने डाला कि वो फिर सारा अमल ख़राब ना हो जाए कोई गलती ना हो जाए तो फिर ये इस तरह पानी में इसको जितनी ज़ोर से हिलाएंगे ना आपके प्यारे का दिल उतना बेचैन होगा ठीक है जितनी ज़ोर से हिलाएंगे या कादर फलाँ बिन फ़लाँ को हासिर कर ये मोकिल की ताकत का अमल है कादिर के मोकिल हैं तो वो इन के हुक्म से बफजली अल्लाह तो अल्लाह जी अल्लाह पाक जो उनसे हर चीज़ पर कादिर हैं तो इन श्ला आपका मसला हल हो जाएगा इस इस अमल को करने के लिए ठीक है इस अमल को करने के लिए एक बात याद रखें कभी गलती ना कीजिएगा अमल बहुत ताकतवर है गलती की कोई गुंजाइश नहीं नाजायज़ का इस्तेमाल नहीं आपकी बहन इतने बड़े बड़े अमल आपको बता रही है इसमें कोई नाजायज़ चीज़ का इस्तेमाल का ये बहुत पावरफुल अमल है एक दफ़ा ज़रूर बहने भी कर सकती हैं भाई भी कर सकते हैं एक दफ़ा ज़रूर करें तीन दिन ये अमल करें जब एक दफ़ा आप करते हैं ना या कादी या वदूदू आप पुकारते हैं अपने प्यारे को ठीक है ना तो सुबह तक का टाइम होता है बोला कि आपकी मोहब्बत आपकी चाहत आपका प्यार अल्लाह पाक भी देख रहे होते हैं दिल आपका देख रहे होते हैं तो बेशक नक्श और पानी यही रहने दें ये पुकारने वाला काम जो सा है आप कर लें अगर ग्लास है, तो किसी बोतल में डाल लें। उसको ज़ोर से हिलाना शुरू कर जैसे आप कोई मतलब कि बोतल ले लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं कि जिसमें आपको हिलाने में आसान जैसे आप गलास में पता है गिर जाएगा बंद डब्बा होगा या बंद चीज़ होगी तो जैसे ये है आप इस नक्श को समझ लें एक बोतल है और उसके अंदर इस नक्श को लिख कर छोटा सा मतलब कि लिख कर आपने डाला और फिर ऐसे इसको हिला दिया तो जितना आप इसके हिलाएंगे पानी में रहेगा उसका दिल पानी में डूबा रहे बहुत खूबसूरत है कोई भी आपको नहीं बताएगा कोई भी मेरी अमलियात जो होंगे वो आपको नहीं बताएगा और क्योंकि हमारा माशा पूरा मतलब कि बैग जो उन है वो माशा नक्शबंदी का है तो मैं सिर्फ उनकी ताकत आपको समझा रही हूँ कि ये अमल करें इनशा आप कामयाब हो इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दें कोई अमल की बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछें अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर बाईयो। आप इसखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या या अमल अम्म्ल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे तो फेसबुक ऑप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना भी कर सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबता करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला